आज बेटा, आज जो हम देखने वाले हैं, हम एक सेंसर के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एलईडी इंटरफेसिंग देखा था, आज हम एक सेंसर के बारे में देखेंगे। पहले मैं आपको उस सेंसर का आउटपुट दिखा देता हूं, तब आपको समझेगा कि वो सेंसर एग्जैक्टली क्या करता है। तो उस सेंसर का नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर। टिंकरकैड में आप गए, वहां पे आपने अल्ट्रासोनिक सेंसर लिया। यहाँ पे आपके पास दो टाइप के अल्ट्रासोनिक सेंसर है। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को 3 पिन है, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को 4 पिन है। ये जो 3 पिन वाला जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये और 4 पिन वाला जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, दोनों का काम एक ही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पिन वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर में ग्राउंड पिन है, वीसीसी पिन है और सिग्नल पिन है। यहाँ पे 4 वाले अल्ट्रासोनिक पिन में ग्राउंड और वीसीसी है, लेकिन यहाँ पे दो और पिन है, एक ट्रिगर पिन है और एक इको पिन है। एक ट्रिगर पिन है और एक इको पिन है। यहाँ पे ट्रिगर और इको की जगह पे यहाँ पे एक ही पिन है, सिग्नल पिन। ठीक है, तो अब डायरेक्टली मैं जो 3 पिन वाला अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसके ऊपर काम करता हूँ। तो हमें ऑर्डिनो बोर्ड चाहिए होगा, ये ऑर्डिनो बोर्ड ले लिया। मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये सेंसर का आउटपुट क्या आता है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सेंसर करता क्या है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि इस सेंसर को अल्ट्रासोनिक सेंसर कहते हैं। ब्रेड बोर्ड चाहिए मुझे, तो मैंने ब्रेड बोर्ड ले लिया। ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये ब्रेड बोर्ड। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को मैं रोटेट करता हूँ यहां से, ये रोटेट हो गया। इस सेंसर को मैं यहां लगा लेता हूं। यस, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्डिनो के ग्राउंड पिन से ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। तो यहां पे हम इसे निगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर कर दिया ब्लैक। तो अब ये जो नीचे की जो सारी लाइन है वो ग्राउंड हो गई। फिर इसके बाद मुझे ये पॉजिटिव को कनेक्ट करना है। ये हमने ये पॉजिटिव को कनेक्ट कर लिया और इसका कलर कर दिया हमने रेड। अब ये नीचे की सारी लाइन पॉजिटिव हो गई। मुझे फिर ऊपर के भी निगेटिव को अगर कनेक्ट करना है, तो ये निगेटिव को ऊपर से कनेक्ट किया, ऊपर के निगेटिव के साथ। तो ये आपकी ऊपर की भी जो लाइन है वो भी निगेटिव होगी। मुझे अगर पॉजिटिव को कनेक्ट करना है, तो ये ऊपर की सारी लाइन पॉजिटिव होगी। अब मैंने यहां से ग्राउंड सिग्नल दिया, मैंने यहाँ से ग्राउंड सिग्नल दिया निगेटिव के पास, तो ये हो गया कनेक्ट। मैंने यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई दिया, ये भी कनेक्ट हो गया। अब ये सिग्नल पिन, तो ये सिग्नल पिन हम किसी भी ऑर्डिनो के एनालॉग पिन को कनेक्ट करेंगे। ये A0, A1, A2, किसी भी एनालॉग पिन को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट किया। इसका कलर चेंज करना है तो आप कुछ भी कलर इसका कर सकते हो। ठीक, अब इसका प्रोग्राम, अब इसके प्रोग्राम में क्या करना होगा, ये हुए हमारे कनेक्शन। तो मैं बेसिक अभी आपको जस्ट एज अ डेमो दिखा रहा हूं, ये सेंसर का आउटपुट क्या आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको, जब ये आउटपुट आप समझ लोगे, तो वापस से ये सारा जो हार्डवेयर कनेक्शन है और सॉफ्टवेयर है वापस से करेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए मुझे इनपुट ब्लॉक में जाना होगा। एक ब्लॉक ले लिया, रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर ब्लॉक, इसे हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यस, रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर ब्लॉक ले लिया। उसके बाद एक वेरिएबल मुझे क्रिएट करना है, तो वेरिएबल क्रिएट किया। उसका नाम, सपोज मैंने उसका नाम रखा ए, उस वेरिएबल का नाम ए रखा। तो यहाँ पे हमने सेट ए टू रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर, और इसको कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, तो इसे हमने A0 पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे A0 लिख दिया। उसके बाद फिर हमें ये डाटा हमें सीरियल मॉनिटर पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे लिखना है मुझे, तो मैंने यहाँ लिखा अल्ट्रासोनिक सेंसर डाटा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर डाटा,
और फिर उसके बाद मैंने वापस से सीरियल मॉनिटर पे जो डाटा मुझे आ रहा है उस डाटा को मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये 3 लाइन का कोड बना दिया हमने, ये देखो ये सिंपली ये 3 लाइन का कोड बना है, ठीक है, ये 3 लाइन का कोड बना है जिसमें एक लाइन है आपकी, एक लाइन है अल्ट्रासोनिक सेंसर लिया। अब मैं पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूं, ये देखो यहां पे ये जो रेडार है इसमें आपको आपको यहां पे ये देखो सीरियल मॉनिटर पे देखोगे आप, यहां पे डाटा इक्वल टू 0 0 आ रहा है। ओके, एक सेकेंड, मुझसे या तो हार्डवेयर मिस्टेक हुआ है। वोल्ट, ओ ओ ओ ओ यहाँ पे ये मुझसे कनेक्शन गलत हुआ है, ये पॉजिटिव जो सप्लाई है मैंने ये ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है, ये मुझे यहाँ से पॉजिटिव देना। ये इसे मैंने रेड लिख दिया अल्ट्रासोनिक, यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट किया। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक वैल्यू आ रही है अल्ट्रासोनिक सेंसर डाटा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर से एक डाटा मिल रहा है 111। ये क्या है ये बच्चों, ये देखो ये डिस्टेंस है, ये जो है ये डिस्टेंस है, ये जो आपको ये छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है, छोटा सा सर्कल दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या कर रहा है, ये ट्रांसमीटर से एक वेव पास कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये वापस जा रहा है। मतलब ये है एक ऑब्जेक्ट, ये सर्कल जो है एक ऑब्जेक्ट है, और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस मेजर कर रहा है। आप देखो यहाँ पे, ये देखो आप ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हो और ये डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में आ रही है, आपको ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में मिल रही है। क्या क्लियर हुआ ये चीज बच्चों, ये चीज क्लियर हुई अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है? तो अल्ट्रासोनिक सेंसर बच्चों, अल्ट्रासोनिक सेंसर, यस सर, यस बेटा, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर करता क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस मेजर करता है। अब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ, इसके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस मेजर करता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस मेजर करता है, ये देखो। अब हम इससे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, अब अगर बच्चों आपने मेरा एक वीडियो जो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं ये जो हैंड सैनिटाइजर मशीन बनाई थी हमने, इसमें हैंड सैनिटाइजर मशीन में बेटा ये देखो, ये हैंड सैनिटाइजर मशीन, ये देखो यहाँ पे नीचे अल्ट्रासोनिक सेंसर ही लगा हुआ है, जैसे ही वहां पे हम हाथ नीचे डाल रहे हैं वहां पे डिस्टेंस कम हो रही है और वो उसमें से जो ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन करके दिखा रहा है, क्लियर। तो वो लिक्विड वहां से पास कर रहा है, मुझे टेबल फॉलो और रोबोट बनाना है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ अभी। आपको बेटा मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके बेटा, एक सेकंड,
तो यहाँ पे आप ये देखो, ये एक सेंसर लगा हुआ है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। ये सपोज ये यहाँ पे एक वॉल है, एक दीवाल है यहाँ पे। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है, यहां से एक वेव पास करेगा, यहां से एक वेव पास करेगा, ये दीवाल को रिफ्लेक्ट होगी वेव और ये रिटर्न जाएगी रिसीवर के पास। तो ये बेटा ये बताता है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। समझ में आया? ये देखो आप, ये आउटपुट जो देख रहे हो, यहाँ पे आउटपुट जो देख रहे हो आप, वो भी बेटा यही दिखा रहे हैं आपको। ये देखो ये है वॉल, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस इसका बढ़ा रहा हूं, तो ये बेटा ये बढ़ गई, यहाँ पे 249 248 आ गया। यस। और बेटा ये वॉल को अगर मैं कम कर रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कम हो गई, देखो 86 हो गई। ये इतने ऐसे 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 बेटा हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब अज्यूम करो बेटा, आपके यहाँ पे बेटा हाइट कैसे मेजर होती है, आपके स्कूल में हाइट कैसे मेजर होती है? हाइट कैसे मेजर करते हो आप? कैसे मेजर करते हो हाइट बेटा? एक स्केल बनी हुई है स्कूल में, स्केल के सामने जाके आप खड़े होते हो और बेटा वहां से हाइट मेजर करते हो, बरोबर है? यस। सो यहाँ पे हम आज एक हाइट मेजरमेंट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, अज्यूम करते हैं कि ये जो ऊपर की जो छत है, ये जो सीलिंग है, यहाँ पे हमने ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है, बरोबर है? ये अल्ट्रासोनिक सेंसर हमने अपनी सीलिंग पे लगा दिया। अब बेटा ये जब इसके नीचे कोई नहीं खड़ा होगा, तो बेटा ये आपका ये जो है, ये फ्लोर है आपके क्लास में, ये जो नीचे की जो दीवार है, नीचे का जो फ्लोर है ये है। तो जब इसके नीचे कोई नहीं खड़ा होगा, तो बेटा इसके ये यहां से पूरी डिस्टेंस दिखाएगा, यहां से यहां तक के ये पूरी डिस्टेंस दिखाएगा कितना है ना। और ये अज्यूम करते हैं हम, ये अज्यूम करते हैं कि ये 300 सेंटीमीटर है, ये कितनी है पूरी डिस्टेंस? 300 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 300 सेंटीमीटर। अब इसके नीचे आके सपोज कोई बच्चा खड़ा हुआ, इसके नीचे आके कोई बच्चा यहाँ इस तरह से खड़ा हुआ, बेटा अब ये कितनी डिस्टेंस दिखाएगा? अब ये इतनी डिस्टेंस दिखाएगा, बरोबर है? ये इतनी डिस्टेंस दिखाएगा अभी, ये सपोज है, ये है 150, ये हमें दिख जाएगी, ये 150 है क्योंकि अभी हमें दिख रही थी यहां से डिस्टेंस, उसके नीचे जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आ रहा था तो हमें डिस्टेंस दिख रही थी, यहाँ पे ये 150 है। तो बेटा ये इस बच्चे की हाइट कितनी है कैसे पता करेंगे? टोटल माइनस ये वाली डिस्टेंस, टोटल माइनस ये वाली डिस्टेंस इक्वल्स टू इसकी हाइट आ गई। क्लियर? बरोबर है? ये हुआ टोटल, जो कि हमने काउंट किया था पहले ही 300, जब कोई नहीं था इसके नीचे खड़ा, फिर हमने किसी बच्चे को खड़ा किया तो यहाँ पे हमें 150 मिल रही थी, तो हमने लिख दिया टोटल माइनस ये डिस्टेंस फ्री स्पेस इक्वल्स टू माय हाइट। तो यहाँ पे इस तरह से ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देखो यहाँ पे वापस मैं ये सारा जो है, मैं ये डस्टबिन में डाल देता हूँ सारा प्रोग्राम। बेटा आपको पहला क्वेश्चन, पहले आपको बेटा हार्डवेयर समझ में आ गया पूरा? इसमें हार्डवेयर में बेटा कुछ कनेक्ट, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, कनेक्शन ज्यादा हार्ड नहीं है। एक ग्राउंड कनेक्ट करना है, एक वीसीसी कनेक्ट करना है और एक सिग्नल पिन है जो कि हमने A0 को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मुझे वापस से प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए कोड ब्लॉक में आए, पहले इनपुट ब्लॉक में जाना पड़ेगा, रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर के ब्लॉक को लिया, ठीक है। फिर एक वेरिएबल लेना होगा,
वेरिएबल का नाम लिया सपोज अभी इस बार हमने डिस्टेंस, क्योंकि अब पता है हमें कि अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस मेजर करता है, तो इसको वेरिएबल को नाम दिया डिस्टेंस। ये डिस्टेंस दिया और उसके बाद ये लिया यहां से सेट डिस्टेंस, और यहाँ पे इसके अंदर हमने रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर डाल दिया। इसको पिन नंबर कौन सी देनी है, तो इसका पिन नंबर होगा A0, बरोबर A0 हो गया। अब हमने हमारे पास एक वेरिएबल है, अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको नाम देते हैं, माय हाइट, HEIGHT, माय हाइट। माय हाइट नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब मैथ वाले ब्लॉक में गए, मैथ वाले ब्लॉक में जाने के बाद मैथ वाले ब्लॉक में गए और यहां पे हमने लिखा आउटपुट वाले ब्लॉक में आने के बाद हमें ये, क्योंकि हमें ये कहां दिखाना है, हमें सीरियल मॉनिटर पे दिखाना है, तो ये आउटपुट वाले ब्लॉक में है प्रिंट टू सीरियल, और यहां लिख दिया हमने माय हाइट is, my height is, ये with और without का मतलब है, with मतलब जब मेरा ये नया, ये नई वाली लाइन में डाटा आएगा, without मतलब उसी लाइन में डाटा आएगा। फिर print to serial monitor, और यहाँ पे हम math वाले ब्लॉक में आए और यहाँ लिख ये वाला ब्लॉक हमने यहाँ से कॉपी करके इसमें ऐड किया, और उसके बाद वापस से यहाँ पे अब क्या करेंगे, वेरिएबल, तो क्या करना है, प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर, हाँ यस, यहाँ पे हमने कितना मेजर किया था, हमने जो टोटल स्पेस था, टोटल स्पेस बच्चों हमने कितना मेजर किया था, टोटल स्पेस हमने 300 मेजर किया था, ये 300 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 300, और यहाँ पे माइनस 300 में से क्या माइनस करना है, तो ये डिस्टेंस माइनस करना है, 300 में से क्या माइनस करना है, तो ये डिस्टेंस माइनस करना है। और यहाँ पे हम, अब अगर मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ तो अब देखो आप, यस ये देखो बेटा, माय हाइट इज 214, माय हाइट इज 214 बेटा, ये देखो अभी ये जो है, ये स्पेस जो बच्चा है इसके नीचे खड़ा है, बच्चे की अगर हाइट कम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माय हाइट इज 116 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 187, ये देखो मैं आपको और क्लियर दिखाता हूं, ये देखो बच्चों, ये यहां से डिस्टेंस कितना आ रहा है, 187 सेंटीमीटर, ये अगर 187 अगर कम हो जाएगा, मतलब इसका मतलब नीचे कोई बड़ा बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट ज्यादा है, और कम हो जाएगा इसका मतलब और बड़ा बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट ज्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये देखो आप, वापस दिखाता हूँ आपको, और इसमें अगर सेंटीमीटर भी करना है तो इसमें आप सेंटीमीटर भी कर सकते हो, कैसे, तो यहां पे अगर मैं बच्चों ये लिखूं, इसमें मैं एक और ब्लॉक ऐड कर दूं, इसमें एक और ब्लॉक ऐड कर दूं, ये वापस से ये भी हो जाएगा विदाउट, और यहां मैं लिख लूं सेंटीमीटर, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने सेंटीमीटर, तो ये मेरी डिस्टेंस किसमें दिख रही है, ये सेंटीमीटर में मुझे डिस्टेंस मिल रही है, ये डिस्टेंस मुझे सेंटीमीटर में मिल रही है, ये देखो सीरियल मॉनिटर पे आप देखोगे 249 सेंटीमीटर। अगर किसी बच्चे की हाइट कम है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, क्योंकि ये इसके नीचे तो ये खड़ा है बच्चा, तो 157 सेंटीमीटर। इसको बेटा आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो क्या करोगे आप, एक पहले तो पहला क्वेश्चन, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कोई बता पाएगा मुझे, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में
सेंटीमीटर होते हैं। तो अब मुझे जहां पे 157, सपोज यहाँ पे 157 आ रहा था मुझे सेंटीमीटर, तो इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100, ये क्या हो जाएगा 1.57 मीटर, 1.57 मीटर, बरोबर। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे मुझे अगर सेंटीमीटर में मुझे डाटा मिल गया है, अब अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो यहां मैंने लिख दिया, मैंने यहां पे लिखा माय हाइट, माय हाइट इन मीटर, माय हाइट इन मीटर, और उसके बाद फिर मैथ वाले ब्लॉक में गए, मैथ वाले फिर से सीरियल मॉनिटर लिया, यहां पे मैथ वाले ब्लॉक में गए, मैथ वाले ब्लॉक में जाने के बाद मैं यहां पे ये मैथ वाला ब्लॉक यहां पे लगाया, और यहां हमने वेरिएबल वाले ब्लॉक में आए डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं हाइट, माय हाइट, माय हाइट डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 100, नहीं डिवाइड डिवाइड ये परसेंटेज, ये डिवाइड बाय यहां पे मैंने लिखा 100। तो अब देखो, अब आपको एक सेंटीमीटर में डाटा मिलेगा और एक मीटर में डाटा मिलेगा। ये देखो माय हाइट इन सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मीटर में, ओके ओके ओके, मीटर में आपको जीरो मिल रही है, मीटर में आपको जीरो मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंटीजर वैल्यू है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यहाँ पे मीटर में थोड़ा सा, यहाँ पे ये ब्लॉक वाले कोडिंग में नहीं आ रहा, ठीक है, अभी के लिए ये सेंटीमीटर में ही। आपको समझ में आ गया क्लियरली किस तरह से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं? तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, उस तरह से 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आप हाइट मेजरमेंट का इजिली प्रोग्राम बना सकते हो। ये देखो अब इजीली आप हाइट मेजरमेंट का प्रोग्राम बना सकते हो। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है बेटा, तो ये आपका आज का ये, यस आज का ये बेटा आपका प्रोजेक्ट था माय हाइट मेजरमेंट। अब बेटा आप इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। सपोज बेटा आपने ब्लाइंड ब्लाइंड पर्सन अगर आपने ब्लाइंड पर्सन की स्टिक को, ब्लाइंड पर्सन की जो छड़ी रहती है उस पे बेटा अगर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दिया, तो बेटा वो उसको हेल्प नहीं हो जाएगी उससे कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके उसको बजर बजना चालू हो जाएगा वहां पे? है ना, तो ये इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कल मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में एक नया आइडिया दूंगा, उसके उससे पहले आप बेटा इस सेंसर के ऊपर आप देखो कि यहाँ पे और क्या क्या प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आज के सेशन को बेटा यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।